आदरणीय मंत्री अमित शाह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने व्यस्तम समय में से भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का प्रयास किया। अब सब देर से कार्यक्रम चल रहा है, मैं जानता हूं गृहमंत्री जी को एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं बहुत संक्षेप में दो तीन बातें करके अपनी बात खत्म करूंगा ताकि गृहमंत्री जी को सुन सकें। मुझे लगता है आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का विमोचन अभी कुछ देर बाद उसका गृहमंत्री जी करेंगे। ये देश में अपने तरह का पहला इनिशिएटिव मैं कह सकता हूं। शासन की बुनियादी इकाई में प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता का जो लेखा जोखा है, मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट हम सबके लिए निश्चित रूप से भविष्य में लाभदायी होगा और जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हो ये निश्चित रूप से एक नई बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश के लिए इसके माध्यम से एक संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और यहां गुड गवर्नेंस स्थापित करने के लिए जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं वो कम नहीं होंगे बल्कि उन्हें आगे और बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी आभारी हूं, श्रीनिवास जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट तथा जम्मू कश्मीर के सभी अधिकारियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी बताया गया है कि 10 पैरामीटर हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं, उसके इस आधार पर जिलों की रैंकिंग बनाई गई है। ये साइंटिफिक तरीका है, मैं मुझे लगता है कि उसके विस्तार में जाने के बजाय मैं दो चार बुनियादी बातें करना चाहता हूं। एक बार मैं मॉस्को गया था देश के पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के साथ। जाने के पूर्व एक बैठक थी, तो बैठक में उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहां जो ब्यूरोक्रेसी है दुनिया के किसी देश से बेहतर है, लेकिन उसमें कई लोग हैं जो काम कैसे नहीं हो ये बेहतर जानते हैं बजाय इसके कि काम कैसे हो। मुझे लगता है कि इस मोड़ से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय को शॉल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित करते हुए संस्था जम्मू को प्रमाण पत्र से सम्मानित करें।